सब्सक्राइब कीजिए कुक विद शबाना को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल को सिलेक्ट कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल ठीक और मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ बस 12:30 बजे से, तो बस सुबह के सारे काम मेरे हो चुके हैं, पोछा झाड़ू वगैरह दूसरे जो काम भी थे वो मैंने कर लिए हैं, कपड़े भी धो लिए हैं। तो बस यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ कढ़ी बनाने की। तो बस मैंने कल ही आपसे कहा था कि सब्ज़ी वगैरह कुछ है नहीं अभी, तो मुझे याद आया छाछ रखी है, तो बस मैंने सोचा आज कढ़ी बना लेती हूँ। तो बस उसी की तैयारी मैंने कर ली है और रेसिपी फुल मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि पहले भी कर चुकी हूँ। तो बस ये मुझे बहुत पसंद है कढ़ी, तो वैसे भी ज़्यादातर बनती ही रहती है। तो यहाँ पर मैंने छाछ में बेसन मिलाकर और लहसुन अदरक मिलाकर बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें थोड़ी मैंने हल्दी डाली है, हरी मिर्च, तेज़पत्ता डाला है और नमक अभी मैंने नहीं ऐड किया है इसमें क्योंकि बॉईल आने से ये उबल जाती है बाहर, तो लास्ट में डालूँगी नमक। तो बस इसको अच्छे से पकने देते हैं। इसमें थोड़ा बेसन ऐड किया है मैंने और बस सारी चीज़ों को मिलाकर मैंने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो बस इसको अच्छे से बॉईल होने देते हैं और यहाँ पर मैंने तैयारी करके रखी है बघार की। तो तड़का लगाने के लिए मैंने रखा है कड़ी पत्ता, ज़ीरा, राई और खड़ी मिर्च है लाल वाली, वो ये 4-5 लौंग ले ली है मैंने और एक प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की और कोथमीर लिया है मैंने और हींग ली है। तो राई, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, खड़ी लाल मिर्च, हींग और प्याज, तो इसका मैं तड़का लगाऊंगी इसमें। और कोथमीर भी मैंने अच्छे से धो लिया, हरा धनिया तो धोकर काट के रखा है। तो बस ये सब तड़के की तैयारी करी है मैंने और बस इसको अच्छे से बॉईल आने देंगे और अच्छे से पकने देंगे। और नमक मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया है, वो बाद में करूँगी क्योंकि ये उबल जाती है नमक रहता है। तो बस इसको अच्छे से पकने देंगे और जब तक पकाएंगे जब तक थोड़ी थिक ना हो जाए, तो बस इसको अच्छे से बॉईल आने देते हैं, खूब अच्छे से पकती रहेगी। तब तक मैं इधर पकौड़े की तैयारी कर लेती हूँ, आप पकौड़े बोलें या भजिए जो भी बोलें, तो हमारे यहाँ तो इसको भजिए ही बोलते हैं। और मेरे ससुराल में और मेरी मम्मी की तरफ दोनों तरफ ही इसी तरीके से बनाई जाती है कढ़ी हम लोगों के घर में। वैसे इसको पहले से ही बघार कर भी बनाया जाता है, फिर ऊपर से अलग से भी तड़का लगाते हैं, लेकिन हम लोग इसी तरह बनाते हैं, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने रख दिया था ऑयल और ऑयल गर्म हो चुका है। मैंने बेसन को पहले ही भिगा के रख दिया था, प्याज वगैरह सब बारीक काट के डाल दी थी। और बेसन में मैंने लिया है ज़ीरा, हरी मिर्च बारीक काट के, हरा धनिया और लाल मिर्च और नमक। और इसमें मैंने डाली थी मसल कर अजवाइन, जो पेट के लिए अच्छी होती है, किसी किसी को बेसन नहीं चलता है तो उसकी वजह से पेट के लिए भी अच्छी होती है अजवाइन, तो मैंने इसमें मसल के डाल दिए। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था मैंने। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ भजिए, भजिए बोलें या पकौड़ी जो भी बोलें। तो बस मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ और कुछ इसमें मैं डाल दूँगी कढ़ी के अंदर और कुछ मैं खाने में यूज़ कर लूँगी अभी। तो बस ये खाना आज मैं जल्दी बना रही हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह तो मैंने सब कर लिया है, सुबह का नाश्ता वगैरह भी हमारा हो गया था जल्दी जैसा रोज़ ही होता है, तो 5:30 बजे मेरा नाश्ता हो चुका था और इन्होंने बाद में किया है। और बस झाड़ू पोछा वगैरह सब दूर का हो गया है, बस एक रूम का मुझे सफाई भी करनी है, जिस कमरे में मैंने अलमारी वगैरह मेरी कल जमाई थी, तो बस अलमारी तो जम चुकी है लेकिन थोड़ी टेबल वगैरह के नीचे का साफ़ करना है, तो बस वो बाद में करूँगी। तो बस ये बना लेती हूँ पकौड़ी या भजिए जो भी आप बोलते हैं। तो बस ये मैं फ्राई कर लेती हूँ और बस सारी फ्राई हो जाएंगी, इसके बाद मैं फिर लगा दूँगी तड़का। तो खाना तो मैं बना लूँगी लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ है, तो हम खाएँगे तो लेट ही, लेकिन मैं पहले ही बना रही हूँ। तो बस ये पकौड़ी बन चुकी है और मैंने अलग रख दी है और कुछ अभी और डालने की भी है, तो कुछ मैं कढ़ी में डालूँगी और कुछ खाने के लिए रख लूँगी। तो बस ये दोबारा भी मैंने डाल दी है और ये कढ़ी मतलब अभी बंद खुला था जबकि ये जब भैया हमारे यहाँ दूध वाले हैं उन्होंने मुझे दी थी कि दीदी ताज़ी आई है तो ले लो, लेकिन वो मैंने सर्दी की वजह से पी नहीं, पीने के लिए ली थी। तो बस मैंने सोचा कि अभी ज़्यादा खट्टी होगी तो इसको बना लें, लेकिन फिर भी ज़्यादा खट्टी नहीं हुई है क्योंकि फ्रिज में रखी थी। तो बस मैंने वही सोचा कि चलो सब्ज़ी वगैरह नहीं है तो आज इसी को बना लेती हूँ। तो बस जो काम हमारे सुबह के होते हैं वो तो सब मैंने कर लिए हैं, वो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई बाकी है, तो मैंने सोचा पहले अपन यही काम कर लें कि खाना बन जाए, तो फिर हम जब भी खाएंगे खा लेंगे नमाज के बाद। तो बस ये कढ़ी के जो पकौड़े तैयार हो गए मैंने डाल दिए भजिए इसमें, तो ये ठंडे हो गए थे थोड़े, उसके बाद डाले मैंने, एकदम गर्म कढ़ी में भजिए नहीं डाले थे, तो ये भजियों को थोड़ा ठंडा करने के बाद डाला है। अगर हम गर्म गर्म में डाल देंगे तो फूट भी सकते हैं भजिए। तो बस यहाँ पर मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ, तो बस जो भजियों का ऑयल था वही मैंने यूज़ करा है, थोड़ा सा कम कर लिया उसको। और इसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी है
और हींग डालने के बाद मैंने प्याज ऐड कर दिए इसमें, और कड़ी पत्ता और खड़ी मिर्च जो है मैं बाद में डालूंगी क्योंकि वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस हींग डाली है इसमें तड़के में, और चार पांच जो लौंग ली थी मैंने वो है, जो बघार का सामान मैंने आपको दिखाई दिया था। तो कड़ी मैंने दो बार आपके साथ शेयर कर ली है, पहले मैं रेसिपी की वीडियो डालती थी सिर्फ, उसमें मैंने डाली है, और दोबारा मैंने अपने ब्लॉग में भी अभी थोड़े दिन पहले ही डाली थी। तो बस ये इसी तरह से बनाती हूँ मैं कड़ी। आप चाहो तो बघार में भी लाल मिर्च डाल सकते हो, मैंने आज लाल मिर्च यूज़ की थी, वैसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने आज बेसन जब मिलाया था छाछ में तब यूज़ करी थी, तो थोड़ी सी लाल मिर्च ली थी और हरी मिर्च ली थी। तो आप चाहें तो यहाँ बघार में भी लाल मिर्च थोड़ी सी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। अभी बाकी मैं बाद में डाल रही हूँ खड़ी मिर्च, जीरा, राई, और जो कड़ी पत्ता था वो तो ये सुखा कर रखा है मैंने, मम्मी के यहाँ से लाई थी तो ये सुखा के रख लिया था, अभी ताज़ा तो नहीं है लेकिन मैंने सुखा कर रखी है पत्ती। तो बस वेट कर दिए, वो तड़का हमारा तैयार हो चुका है। तो बस ये कड़ी बघर चुकी है, तो बस टेस्टी कड़ी, ये मुझे बहुत ही पसंद है, मतलब जिसके घर में भी बनती है वो मेरे लिए ज़रूर भेजता है, यहाँ तक कि मेरे कस्टमर भी। तो बस मुझे बहुत ही पसंद है, तो इसके साथ मैंने रोटी बना लूँगी और चावल बनाए हैं। तो बस मुझे अब नमाज वगैरह पढ़नी है, तो नमाज के बाद हम लोग खाएंगे खाना, और इस बीच में ही कुछ कुछ काम मेरे निपटा चुकी थी मैं, तो थोड़ी बहुत डस्टिंग भी बाकी थी मेरी इस रूम की, तो कुछ कुछ थोड़े थोड़े काम मैं करती जा रही थी, कड़ी भी पकती जा रही थी। वो बेसन मैंने पहले ही भिगा दिया था, सिंपल बेसन और प्याज भिगा के रख दी थी, और फिर मसाले वगैरह मैंने बाद में डालने हैं इसमें, तो हरा धनिया वगैरह सभी डालना था उसमें, बेसन में भी। आप चाहते हैं कि सादी बनाना तो फिर आप सादे बेसन में भी बना सकते हैं, सिर्फ नमक डालें, मिर्च डालें, और अगर प्याज वगैरह पसंद ना हो तो ना डालें। तो बस ये टेस्टी कढ़ी बनकर तैयार है, और जो मुझे बहुत ही पसंद है और बहुत ही अच्छी बनी थी। तो बस यहाँ पर मैं डाल रही हूँ रोटी, तो बस थोड़ी रोटी बना ली है मैंने, वो थोड़ा चावल बना लिए हैं। तो बस खाना वाना खा चुके थे हम, चाय वगैरह भी मैंने पी ली थी, नमाज वगैरह भी हो चुकी थी, और बस दोपहर के बज रहे हैं 4, तो बस मैं इधर आ गई थी रूम में 4 बजे। तो ये थोड़ा बहुत साफ सफाई थी, तो आप भी जानते हैं हम थोड़ा कुछ काम करते हैं तो कितना निकलता है सामान वगैरह सब, इधर का उधर शिफ्ट करना था मुझे, और कुछ रखना था, कुछ उठाना था, तो बस वही कर रही थी। गद्दा वगैरह भी आज मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है कि रात में इसको मैं सीधा कर लूंगी, अभी दिन में मैं साफ कर देती हूँ। तो ये जो चिक डली है ये भी मैंने आज इसको खोल दिया है, और पर्दे वगैरह मुझे चेंज करना है, लेकिन मेरे पास एक ही कलर के पर्दे हैं क्योंकि ये मम्मी के घर के थे लंबे पर्दे, और ये खिड़की मैंने यहाँ की बाद में तुड़वाई है, तो इस वजह से इस साइज के पर्दे मेरे पास नहीं है। तो बस ये अब देखूंगी मैं अगर कोई पर्दे यहाँ पर आएंगे सही से, क्योंकि ये एक ही कलर के हैं और लंबे लंबे पर्दे हैं सब, तो मैं चेंज भी करूंगी तो वो लगेंगे नहीं कि चेंज करें, लेकिन फिर भी मैं इसको हटा दूंगी। और अब मैं यहाँ लगाने लगी हूँ पोछा, तो बस आप भी जानते हैं कि टाइल्स मेरी ऐसी ही है, मतलब इनको मैं स्क्रब करती हूँ तभी निकलती हैं, बाकी थोड़े दिन में फिर ऐसी ही हो जाती हैं। तो बस ये अभी मैंने लगा दिया है पोछा, तो पोछा तो मैं सुबह भी लगा चुकी थी, लेकिन इस कमरे के साथ फिर भी मैंने किचन तक पूरा लगाया है। तो बस ये पोछा वगैरह सब हो चुका है मेरा, और बस काम करते करते हो गई थी शाम, तो बस मैंने असर की नमाज़ वगैरह पढ़ के और मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और फिर दूध आ गया वो गर्म किया, और उसके बाद फिर मैंने 2 सिपारे भी पढ़ लिए थे, वजू था मेरा तो मगरिब के बाद। तो बस मेरा एक कलाम पाक ख़त्म हो चुका था, और ये दूसरा शुरू करा है मैंने, तो आज ये तीसरा सिपारा शुरू हो गया मेरा। तो बस मैं आ गई थी किचन में, तो ये मगरिब के बाद का टाइम है, और मैं यहाँ पर बेसन रख रही हूँ फेंट कर, क्योंकि मुझे याद आया है कि अब गुड़ वगैरह तो ख़त्म हो गया है और इनको मीठे का बहुत शौक है, तो बस मैंने सोचा चलो आज बूंदी बना लेते हैं। वैसे तो मैंने कई बार बूंदी बनाई है, और मेरी सास थी जब भी मैं उनके सामने भी सब चीज़ें बनाती थी, जलेबी वगैरह, इमरती, बहुत सारी चीज़ें मुझे शौक है तो मैं बनाती ही थी। तो बस रेसिपी कभी मैंने शूट नहीं की क्योंकि मुझे आती नहीं थी शूट करना, वीडियो बनाना। तो बस ये आज मैं रेसिपी मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा चलो आज इसको भी शूट कर ही लेती हूँ। तो बस ये बूंदी बना रही थी मैं, और मैंने बेसन को भिगा दिया था सिंपल तरीके से, थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है मैंने 1 टीस्पून के करीब, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिया था इसमें, तो हल्का सा ही लिया है मैंने, खाने वाला सोडा नहीं डाला इसमें। तो बस बेसन को अच्छे से फेटा है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, वो बहुत अच्छे से फेट चुकी थी मैं इसको, और बस मैं ये फेटने के बाद मैं इसको बना रही हूँ। तो बस ऑयल को हमें इतना गर्म रखना है जितना वो बूंदी अगर हम इसमें से डालते हैं झटक कर, तो वो बूंदी एकदम फूल के ऊपर आ जाए, इतना तेज़ गर्म तेल होना चाहिए। तो आज मैं इसको फ्राई पैन में बना रही हूँ, लेकिन मैं इसको बड़ी कढ़ाई में बनाती हूँ, जो मेरे पास लोहे वाली कढ़ाई आपने देखी होगी, कढ़ाई है मेरे पास लोहे की, तो बस वो बड़ी कढ़ाई में बनाती हूँ मैं इसको, लेकिन आज मैंने यही रख ली भूल में, तो मैंने कहा चलो आज इसी में बना लेते हैं। तो बस ये बूंदी बनना तैयार हो चुकी है, बनना शुरू हो चुकी है।
तो ये इस टाइप की सिंपल बूंदी आप थोड़ा सा नमक ऐड करना चाहें तो कर लें, क्योंकि फीकी जो बूंदी होती है वो मार्केट में मिलती है और अभी तो कुछ मिल भी नहीं रहा है हमारी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये इसको बनाकर आप रख सकते हैं, रायता वगैरह बनाएं तो। और ये देखिए आप, ये वाली बूंदी का मेरा थोड़ा कलर डार्क हुआ है क्योंकि सिलेंडर ख़त्म हो गया था और फिर मैं चढ़ाव के यहाँ गई और फिर उठाकर लाई, लगाया करा, जब तक ऑयल गर्म था तो उसका कलर थोड़ा चेंज आया है। तो बस इसी तरह आप बूंदी बना लें। और मैं तो ये झारे से ही बना लेती हूँ क्योंकि इसके झारे अलग आते हैं, लेकिन मैं तो अपने झारे से ही बना लेती हूँ। वो बेसन को आपको इतना ठीक रखना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालें, आप एक साथ पानी ना डालें, इतना ठीक रखें कि आप जब उसको डालें झारे पर तो वो अपने आप से बूंदे टपकना चाहिए, हल्का सा आप हिलाएं तो वो अपने आप से गिरे। आप उसको झटक के या दबा के निकालेंगे तो बूंदी सही से नहीं बनेगी। और इतनी डालें ताकि हिलाने की जगह रहे, एक पे एक बहुत सारी नहीं डालें। तो ये देखिए मैंने इतनी डाली है कि आराम से हिल रही है। तो बस ये मैंने सिलेंडर भी चेंज कर दिया था और उसके बाद फिर से डालना शुरू कर दिए। तो बस अचानक ही सिलेंडर ख़त्म हुआ है, वैसे तो थोड़ी स्मेल वगैरह आती है हमें पहले से ही, लेकिन आज बिल्कुल भी कुछ पता ही नहीं चला और एकदम ही बंद हो गई गैस। तो बस ये मैं बना रही हूँ बूंदी, तो इसमें थोड़ी मैं कलर वाली बनाऊंगी क्योंकि मुझे ये मीठी वाली बनानी है जो बूंदी मार्केट में मिलती है उस टाइप से। तो आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं या इसको मीठी बूंदी भी खा सकते हैं, तो हमारे यहाँ तो बहुत चलती है मीठी बूंदी। तो बस ये मैं थोड़ी कलर की बनाऊंगी और थोड़ी येलो बनाऊंगी। तो बस इसमें बेसन में मैंने कोई कलर ऐड नहीं किया है क्योंकि मैंने जैसा कलर है इसका ओरिजिनल वैसे ही बनाऊंगी, और फिर लाल और हरी में खाने वाला जो फूड कलर होता है हमारा वो डाल दूंगी। तो देखिए मैं कितने हल्के से झारे को हिला रही हूँ और बूंदी गिर रही है और एकदम फूल के ऊपर आ रही है। तो बस तेल का टेम्परेचर हमें ऐसा ही रखना है ताकि बूंदी बूंदी नीचे तो गिरे लेकिन एकदम ऊपर आ जाए, अगर थोड़ा ठंडा होगा तो वो नीचे ही बैठ जाएगी। तो बस इसको चलाने की जगह होनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने जो घर में यूज़ करती हूँ घी, जो घर में बनाती हूँ असली वाला, वही ले लिया था क्योंकि कम ही बनाना है मुझे। आप चाहें तो इसके लिए ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा गहरा, तो बस मैंने वही घी यूज़ कर लिया है। तो बस ये बूंदी मैं थोड़ी थोड़ी करके सब बना लूंगी इसी तरह से, और फिर थोड़ी कलर वाली भी डालूंगी। तो बस इसमें मैंने हल्का सा बेकिंग सोडा चुटकी से डाला था, और थोड़ा सा मैंने 1 टीस्पून के करीब ही ऑयल डाल के खूब अच्छे से फेटा है मैंने इसको, सिर्फ पानी डाल के लिक्विड नहीं बनाया, इसको खूब अच्छे से फेटती गई मैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाला है इसमें। तो जब गिराते हैं ना अपन तो वो एक जैसी लेयर में गिरता है। तो बस इतनी ही हिसाब से आपको बेसन रखना है कि वो आसानी से गिरे, तो बस हमें हिलाना भी ना पड़े ज़्यादा और अपने आप से गिरे। तो बूंदी गोल गोल बनकर आती है और बहुत ही अच्छी बूंदी बन गई थी, और बस जल्दी ही उसने चाशनी भी ऑब्जर्व कर ली थी। तो बस ये बन चुकी है बूंदी, तो मैं देखती हूँ आप कलर वाली बूंदी डालूंगी थोड़ी। तो बस वो थोड़ी सी बूंदी का मेरा कलर इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि मैंने सिलेंडर लाई, लगाया फिर नया, तो वो तब तक गैस जो ऑयल का टेम्परेचर था वो बड़ा था, उसमें गर्म ही था, तो इस वजह से उसका कलर थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो बस ये देखिए इस पे मैंने थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ बेसन को, वो बस ये अपने आप से देखिए टपकती जा रही है। तो हमें इतनी भी नहीं डालना है कि वो हिल नहीं पाए या एक दूसरे पे बहुत सारी हो जाए और चिपक जाए। तो बस ऐसे दूर दूर हाथ करके मैं डाल रही हूँ, और इसके लिए फैला हुआ बर्तन हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ऐसे ऊंडे बर्तन में हम बनाएंगे तो सही से बूंदी नहीं बन पाएगी। तो बस इस तरह से आप रायते के लिए भी फीकी बूंदी बना के रख सकते हैं, जब घर में यूज़ कर सकते हैं आप रायता वगैरह बनाएं तो, क्योंकि अभी तो टाइम ऐसा है कि हमें कोई चीज़ ऐसी तो नहीं मिल रही कि जब हमें ज़रूरत है और मिल जाए। तो बेसन वगैरह तो घर में होता ही है अपने, तो आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए बूंदी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस ये येलो कलर की तो मैंने बना ली है, तो येलो वाली बूंदी हमारी तैयार हो चुकी है। और जो इसमें कलर चेंज है वो इसी वजह से है कि मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया था और मैं निकाल कर लाई हूँ पीछे से। मैंने आपको बताई है कि जो चढ़ाव है मेरी दुकान के साइड वहाँ पर रखा था, तो बस वहाँ से उठा कर लाई और फिर लगाया मैंने। तो बस ये पीली वाली बूंदी को मैं बना लूँगी, वो बीच में थोड़ी लाल भी बना लूँगी। तो बस इस तरीके से मैंने बूंदी बना ली थी और बहुत ही टेस्टी बन गई थी क्योंकि इनको मीठा थोड़ा बहुत लगता है, और अभी गुड़ वगैरह ख़त्म हो चुका है। मुझे अचानक याद आया कि आज मीठा तो कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा चलो आज बूंदी बना लेते हैं। बेसन वगैरह तो था घर पर, तो मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन बना लेती हूँ। तो बस मैंने अभी नमाज नहीं पढ़ी है ईशा की, इन लोगों ने पढ़ ली है और हम लोग खाएंगे खाना। तो बस मैं इसको बना के रखूंगी जब तक ये अच्छे से चाशनी पी लेगी, तो फिर मैं देखती हूँ इनको दे दूंगी अगर हो जाएगी तो। तो बस ये इसको पहले बना रही हूँ मैं, और इसको बेसन को अच्छे से फेटना है अपने को, सिर्फ पानी का लिक्विड नहीं बनाना है, अच्छा सा लिक्विड बनाना है इसका। फेट फेट कर जितना ज़्यादा फेटेंगे आप उतनी ही बूंदी अच्छी फूल कर आएगी। तो बस मैंने इसको अच्छे से बना लिया और बिल्कुल हल्के हाथों से ही मैं इसको ऐसे झटक रही हूँ और ये अपने आप से गिर रही हैं।
अगर हम इसे प्रेशर दे के बनाएंगे इसको तो बूंदी सही से नहीं आएगी, क्योंकि इसके तो झारे मिलते हैं स्पेशली जो हलवाई वगैरह यूज करते हैं वो। लेकिन ये तो हमारा घर का नॉर्मल झारा है जो हम घर में यूज करते हैं, तो मैं हमेशा इसी से बना लेती हूँ। तो बस ये इस तरह से हल्के हाथ से मैं हिला दूंगी, और इसको बहुत ज्यादा अपने को कलर चेंज नहीं करना है, बस ऐसा कि थोड़ा फ्राई हो जाए और जो कच्ची स्मेल होती है इसकी निकल जाए और हल्की सी कुरकुरी टाइप हो जाती है, बस इतना ही रखना है। ऐसा नहीं है कि इसका बिल्कुल कलर चेंज करना है हमें। तो बस ये बूंदी मेरी फ्राई हो चुकी है, तो बस जितना बेसन है उतने की मैं बना लूंगी ये। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन लिया था, और एक तरफ मैंने चाशनी बनाने के लिए रख दी है, तो 1 कटोरी मैंने शक्कर भी ली है, उसमें इलायची कूट कर डाल दी है, और पानी डाल दिया था 1.5 कटोरी पानी ले लिया था मैंने, 1.5-2 कटोरी, और उसको अच्छा पकने दूंगी, क्योंकि स्टिकी तो नहीं बनानी है हमें, 1 तार की है 2 तार की, सिर्फ इतनी कि वो चिपचिपी रहे, जैसे हम जलेबी वगैरह के लिए भी बना लेते हैं, बस ऐसी ही रखनी है इसको, तो ज़्यादा ठीक चाशनी नहीं बनानी है हमें। तो बस हाथ में लगा कर देखूंगी, अगर चिपकने लगेगी तो समझ लीजिए चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस ये हो जाए, मैंने चाशनी पीछे रख छोड़ी है बीच वाले चूल्हे पर, तो बस उसमें इलायची कूट के डाल दी थी, और इसमें अगर आप चाहें तो कोई फ्लेवर भी डाल सकते हैं, जैसे बूंदी में केवड़ा वाटर भी डालते हैं हल्का सा, या जो भी फ्लेवर ऐसा पसंद हो आपको तो आप डालें, इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं डाला है, गुलाब जल वगैरह भी डाल लेते हैं अगर फ्लेवर पसंद हो तो, और हल्का सा केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो फिर वो अच्छा टेस्ट नहीं लगता उसका, मैंने तो इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया है ऐसा। तो देखिए अभी कलर वाली ले ली है मैंने, मैंने इसमें रेड कलर लिया था, फूड कलर जो आती है डब्बी उस टाइप का कलर है जो जर्दे में हम यूज़ करते हैं या बिरयानी वगैरह में, तो बस ये लाल कलर जो उसका था वो मैंने ले लिया है, उसको हल्का सा पानी में मिला के और फिर मैंने बेसन में डाल दिया था, तो बस ये लाल कलर की हो जाएगी बूंदी। और एक मैंने ग्रीन कलर लिया है, तो उससे थोड़ा सा बेसन इसी में से उठा के उसमें ग्रीन कलर मिला दिया था, तो वो हरे कलर की बन जाएगी। तो बस इसको धीरे धीरे फ्राई होने देते हैं। तो मैंने घी दोबारा डाला था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गहरा घी लगता है कि फूल सके अच्छे से, अगर कम हो जाएगा तो ये चपटी चपटी बनेगी बूंदी, तो बस वापस से मैंने घी ऐड किया था इसमें। वो बस दोनों कलर की जब बन जाएंगी तो मैं इसको फिर चाशनी में डाल दूंगी ठंडा करने के बाद, थोड़ी ठंडी हो जाएगी वो, फिर इसको मिक्स करके और रख दूंगी। तब देखिए मेरे पास मगज मिलते हैं या नहीं, या मैंने यूज कर लिए उनको, ये लड्डू वगैरह में तो मगज वगैरह यूज करते हैं ये, वही मैं तो अचानक बना रही हूँ तो मेरे पास तो अभी है नहीं, तो वो देखिए अब मैं क्या डालती हूँ इसमें, क्योंकि हमारी रेसिपी है तो हम अपनी पसंद से कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। वैसे तो ये लड्डू वगैरह जो बनते हैं तो इसमें वो लोग वही डालते हैं, मगज वगैरह जो मिलते हैं ना बीज, वो लोग वो यूज कर लेते हैं, या कुछ भी नहीं डालते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कुछ डालने चाहें ड्राई फ्रूट तो डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो बस ये कलर वाली ग्रीन भी हो चुकी है बूंदी, तो आसानी से हम घर पर फीकी बूंदी भी बना सकते हैं जो हम रायते में यूज कर लें, और नमकीन भी बना सकते हैं इसी को, और ये मैं मीठी बना रही हूँ इससे लड्डू भी बना सकते हैं। तो बस मैंने ये 1 कटोरी बेसन लिया था और उसको अच्छे से फेंट लिया था, वो बस फेंटना ही मेन है इसका कि अच्छे से थिक मतलब बेटर बने, और अच्छे से वो मतलब चम्मच में से हम लें तो उसको गिरे आसानी से, इसी तरह से रखना है हमें। तो बस बन चुका है और पीछे चाशनी भी तैयार हो रही है, तो बस उसको भी चेक करूंगी मैं कि बनी है या नहीं। तो बस इसको हमें तेल का टेम्परेचर जो है हमें इतना रखना है कि बूंदी उसमें गिरे तो गिर के एकदम ऊपर आना चाहिए, अगर ठंडा होगा घी या ऑयल आपका जो भी, तो फिर वो नीचे जाके बैठ जाएगी, तो बस हमें ऐसे ही रखना है कि एकदम गिरे और एकदम ऊपर आ जाए वो फूल के। तो बस ये देखिए हल्के हाथों से मैं इसको चला रही हूँ और ये तैयार हो चुकी है। तो बस इस तरीके से हरे ग्रीन वाली भी कर लूंगी, और थोड़ी बहुत शायद येलो बची है तो बस उसको भी निकाल लूंगी। तो बस अभी ये लोग घर में ही हैं, और अभी पूरा टाइम हमारा ऐसा ही निकल रहा है, लेडीजों का टाइम तो वैसे भी काम में ही निकल जाता है तो टाइम मालूम ही नहीं पड़ता है, और आज बस तबीयत ठीक हुई मेरी थोड़ी, तो फिर मैंने आज नमाज पढ़ के और कुरान शरीफ वगैरह भी पढ़ा था, तो बस नया कुरान शरीफ मैंने शुरू करा है मेरा नया, तो 3 सिपारे मेरे हो गए हैं। तो बस कुरान शरीफ जब हाथ में ले तो वजू होना चाहिए, तो मैंने नमाज के बाद पढ़ लिया था, मगरिब की नमाज पढ़ के मैंने 2 सिपारे पढ़े, और उसके बाद फिर मैं वापस से किचन में आ गई थी। तो बस अभी नमाज बाकी है और फिर हम लोग खाना खा लेंगे इसके बाद, तो बस ये बूंदी बन जाए तो हम खाना खाएंगे। और मैंने कढ़ी बनाई है, तो बस वो कढ़ी रखी हुई है, चावल रखे हुए हैं, तो बस वही खाएंगे अभी हम। तो ये सारी बूंदी मैंने बना ली है,
ग्रीन भी बन चुकी है और येलो भी बन चुकी है, बस थोड़ा सा बचा है तो मैं इसमें फीकी निकाल लेती हूँ, तो बस ये लास्ट बचा है। तो बस सारी बूंदी बन चुकी है, बस थोड़ा ही बेसन बचा है तो इसकी भी मैं बना लूंगी। और इनको मीठे का बहुत शौक है, इनको खाने के बाद कुछ ना कुछ तो मीठा लगता ही है, तो बस अगर कुछ होता है तो मैं बना देती हूँ, दूध वगैरह ज्यादा होता है तो कभी खीर वगैरह कुछ भी, तो बस इनको मीठे का बहुत शौक है। तो बस ये चाशनी भी हो चुकी है, मैं हाथ में लगा के चेक कर रही हूँ इसको, तो मैंने शुरू में ही रख दी थी चाशनी पहले ही। तो ये 1 कटोरी शक्कर ली थी मैंने और 1 कटोरी बेसन लिया है मैंने, तो बस उसमें इलायची कूट के डाल दी है और ये बूंदी बन चुकी है। और चाशनी को हल्का सा मैंने गर्म किया है और फिर इसमें ऐड कर रही हूँ बूंदी, क्योंकि एकदम गरम गरम बूंदी मैंने इसमें ऐड नहीं की है। वो चाशनी बन चुकी थी तो बस थोड़ी ठंडी थी, तो फिर मैंने इसको हल्का सा कुनकुना कर लिया हल्की सी गर्म करके, और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बूंदी। तो बस बूंदी अच्छे से तैयार हो चुकी थी। बस आप ये बात का ध्यान रखिए कि थोड़ा गहरा तेल वगैरह जो भी आप यूज़ करें थोड़ा गहरा होना चाहिए, क्योंकि अगर कम होगा तो वो नीचे बैठ जाएगी, और अगर लिक्विड भी सही नहीं बनाएंगे आप बेसन का, तो वो भी अगर ज़्यादा थिक होगा या ज़्यादा मतलब जितनी ज़रूरत है हमें उस हिसाब से हम नहीं बनाएंगे तो वो बूंदी सही नहीं बन पाएगी। तो बस इसका थोड़ा ध्यान रखिए कि बेटर इसका जो है वो अच्छे से बनाए, अच्छे से उसको फेंटें, सिर्फ पानी डाल के उसको पतला नहीं करना है। और बस ये बन चुकी है बूंदी, तो मैं मगज ही देखने जा रही थी बस फ्रिज में, मुझे याद आया कि रखें, लेकिन पता नहीं शायद मैंने यूज़ कर लिए होंगे, तो बस अभी तो मुझे नहीं मिले, अगर मिल जाएंगे तो बस ऐड कर दूंगी। और बस इसको अच्छे से मिक्स करके रख रही हूँ मैं, ताकि चाशनी अच्छे से इसमें एब्जर्व हो जाए, तो बस इसको ढक कर रखूंगी मैं। तो बस ये फ्रिज में मैं वही देखने गई हूँ अभी कि मैं देख लूँ एक बार और, चेक कर लूँ अगर मिल जाए तो। तो बस ये फ्रिज में मैं देखने ही गई थी लेकिन मुझे नहीं मिले हैं। और यहाँ पर रखी है शायद पिस्ते की कतरन और चारोली रखी थी, तो बस ये कहने लगे यही ऐड कर लो, इसमें ड्राई फ्रूट है, तो मैंने ज़रा सी वही पिस्ते की कतरनी इसमें यूज़ कर ली है। आप चाहें तो जो यूज़ कर लें, अपनी ही रेसिपी है, अपने हिसाब से बनाई है, तो आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, काजू ऐड कर सकते हैं, तो लड्डू में अच्छे लगते हैं वो भी। और अब कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहें तो सिंपल भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको कोई फ्लेवर इसमें पसंद है, गुलाब जल या जो भी आप केवड़ा वाटर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, वो बस मिक्स करके और इसको ढक कर रख दूंगी, और बस हम लोग अब खाना खा लेंगे। तो ये बूंदी मेरी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी इसकी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना, और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना, और अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए बूंदी तैयार हो चुकी है, मिलूंगी फिर आपके साथ नई रेसिपी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और बस मैं सबसे पहले इनको दे रही हूँ, क्योंकि ये ऑब्जर्व कर ली है इसने चाशनी, तो बस मैंने ऊपर से डाल दिया है इसमें पिस्ते की जो कतरन होती है वो, क्योंकि इसमें वो नहीं मिल पाया मुझे मगज जो